Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today, finally, I'm going to be bringing you the review of this Toyota Land Cruiser LC300. जो नई लैंड क्रूजर है पाकिस्तान में तो ये बहुत बहुत महंगी गाड़ी है। बाय द वे मैं अभी सऊदी अरेबिया आया था तो हमारे एक जानने वाले के पास ये LC300 है, उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं व्हाई नॉट, बनाओ यार कोई मसला नहीं। चाबी से हम शुरू करते हैं। पहले चाबी ज़रा थोड़ी सी अजीब है कि मतलब हमारे जो फॉर्च्यूनर है उसकी इससे खूबसूरत चाबी है पाकिस्तान में, एमरजेंसी की इसी तरह। बाय द वे इसका जो वेरियंट है, 6 वेरियंट्स आते हैं उसमें, ये चौथा वेरिएंट है, ठीक है। इसके जो बाद वेरिएंट है उसमें लेदर सीट्स हैं और जो सबसे टॉप वाले उसमें वो लेदर वो ट्रिम्स हैं, दिस एंड दैट, जो ZX नहीं होता वो वाला। अच्छा जी, बात की जाए इसमें आपके पास लॉक अनलॉक बूट रिलीज पैनिक बटन है। तो जी ये लैंड क्रूजर का माइटी फ्रंट है, साइड से आप देखें LC200 जो है उससे ये बड़ी है। ऑल दो पीछे से क्योंकि बिल्कुल फ्लैट आ रही है तो आपको लगती है कि उससे छोटी है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी लंबी भी है, चौड़ी भी है और इसका ट्रैक भी वाइडर है और इसमें आपके जो इंटीरियर स्पेस है वो भी थोड़ी ज़्यादा। प्लस दिस इज़ ऑन अ लैडर फ्रेम चेसिस। लैडर फ्रेम चेसिस का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी और चेसिस आर नॉट यूनिबॉडी। कि देखिए अब इसका चेसिस ये और बॉडी ये, और बाय द वे ये गाड़ी को सिर्फ अभी 3 हफ्ते हुए हैं, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, ठीक है। रमज़ान में ही आई है ये गाड़ी और इसमें अभी ये फिल्म भी लगी हुई है PPF, मतलब पार्शली हुई है, नॉट फुली, मतलब जो डीलरशिप से नहीं हो रही होती वही वाली है। और ये जो वाइट है, दिस इज़ योर मेटेलिक वाइट, जो पाकिस्तान में क्रूजर्स में आते हैं वो वाला वाइट है। फ्रंट से शुरू किया जाए, टोयोटा ने LC200 कोई सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाला स्टांस है। आपके पास एक ह्यूज सी ग्रिल आ जाती है क्रोम की, ठीक है। टोयोटा एम्बलम आ जाता है, ये फ्रंट कैमरा, इसमें रेडार क्रूज कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं लगा हुआ। आपके पास फ्रंट 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, ये गॉयर फुल LED लाइट्स, ठीक है जी। ये आपके पास लो बीम्स ये हैं, हाई बीम्स ये हैं, टर्न इंडिकेटर्स ये हैं, पार्किंग्स ये हैं, आपके एयर इनटेक्स ये आ जाते हैं, फॉग लैम्प्स ये आ जाते हैं, या आपकी एक क्रोम स्ट्रिप जा रही है, एक पियानो ब्लैक की पट्टी जा रही है। द बेस्ट थिंग आई लाइक इसके LC200 में, मैंने कहा था कि मुझे ना उसके फ्रंट डबल बबल हुड बड़ा फिट लग रहा था, LC300 में उन्होंने एक और ही लेवल कर दिया, ये जो डबल बबल है ये और प्रोनाउंस कर दिया। तो जब आप अंदर बैठे हो ना, अभी मैं बैठा था तो आपको लगता है जैसे एक आप बोट में बैठे हुए हैं, तो ये ना ज़्यादा ज़बरदस्त और ज़्यादा प्यारा लगता है। हैंस अगर आप साइड से भी देखें ना, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कहने के चाह रहा हूँ, आई होप यू सी दैट, ठीक है। आपको एक वो डबल बबल वो मिल जाता है। ये जो लैंड क्रूजर है ज़रा बॉक्सी बॉक्सी डिज़ाइन पे है। कैरेक्टर लाइन्स ये हैं कि आपकी एक फ्रंट व्हील आर्च पे जा रही है, इस तरह ख़त्म हो रही है, लाइकवाइज रियर व्हील आर्च पे जा रही है, दरमियान से कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, एक सॉफ्ट लाइन जा रही है राइट फ्रॉम द फ्रंट हुड वो ऊपर से जाके ये नीचे आके फिर एक सॉफ्ट सी जाके पिछली बत्ती तक जाती है और एक पिछली बत्ती से आके इस तरह क्रॉस होके ये दरमियान में अटैच हो रही है। तो आपके पास ये पूरी साइड लोगे मतलब बॉक्सी है, कुछ लोगों के बॉक्सी डिज़ाइन पे कंट्रोवर्शियल हालात हैं। नीचे आपके पास क्रोम मोल्डिंग आ जाती हैं, आपके पास साइड स्टेप्स आ जाते हैं। बाय द वे गाड़ी में सब बाय फैक्ट्री लगा हुआ है। योर फ्यूल फिलर कैप और इसके एलॉयज़ की बात की जाए, मैं आपको बता नहीं सकता, आई एब्सोल्युटली लव दीज एलॉयज़, क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 स्पोक एलॉयज़ हैं। वी आर 6 लग नट्स। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ आउटर कोटिंग, लेकिन थोड़ी लाइट है, ग्रे वाला नहीं है, बट यार क्या ब्यूटीफुल एलॉयज़ हैं। और आपके पास फ्रंट भी डिस्क है, रियर भी डिस्क हैं, ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं। और इनकी स्पेक्स की बात की जाए, 265/55R20 और इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी है, मुनासिब है। साइड पर आपके पास रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स आ जाते हैं, LED टर्न सिग्नल्स हैं। आपके पास स्मार्ट एंट्री, जाहिर बात है, ये जो पुट योर हैंड बिहाइंड इट तो ये अनलॉक हो जाते हैं और आप इसे ये जो स्वाइप इट अराउंड तो ये लॉक हो जाएंगे। इसमें सारे डोर्स में स्मार्ट एंट्री है। योर विंडोज आप फिर 3rd quarter विंडो आ जाती है। बाकी रियर पे मूव करें तो वही सेम जैसे मैंने आपको कहा, बॉक्सी स्टाइल आ जाता है, दिस एंड दैट। मूविंग एट द टॉप आपके पास इस गाड़ी में एक सनरूफ आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लैडर फ्रेम चेसिस है तो इसमें छोटी सनरूफ ही है और रूफ रेल्स आ जाती हैं फॉर फर्दर अटैचमेंट्स वगैरह। इस गाड़ी की जो क्लैडिंग्स है ना, ये बॉडी कलर में तो बहुत ऑड नहीं लग रही, वरना कुछ गाड़ियों में ना ब्लैक में होती तो बड़ी अजीब लग रही होती है। फ्रॉम द बैक मुझे डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, बस एक इसमें मसला है कि इसमें स्प्लिट गेट यार इन्होंने निकाल दिया, वो बड़ा अजीब किया। अच्छा पीछे मूव करें, आपके पास हाई माउंट ब्रेक लैम्प आ जाता है। योर रियर ग्लास ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइक मैं आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल स्ट्रेट है। पुरानी वाली का भी थोड़ा स्लांट था, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। आपका वॉशर जेट आ जाते हैं, वो लगा हुआ है, वॉशर जेट लगा हुआ है। आपके रियर वाइपर आ जाता है। टोयोटा एम्बलम लैंड क्रूजर बड़ा प्रोनाउंस ही लिखा हुआ है। आपकी रियर लाइट्स आ जाती हैं, दिस इज़ योर रियर लाइट, ये ब्रेक लाइट है, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट ये आ जाती है। मज़ेदार बात यह है कि रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर अभी भी हैलोजन है, मतलब कम ऑन मैन। इसका ये वेरियंट लिखा हुआ है GXR, ठीक है।
जाहिर बात है नो मोर V8s, TW ट्विन टर्बो आ जाता है। लाइकवाइज इस गाड़ी में टो हिच जो है ये इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, आपके ऐसे क्रोम बार आ जाती है। मूविंग डाउन हियर आपके पास रियर कैमरा आ जाता है, नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन LED ही है जाहिर बात है। लेट मी अनलॉक दिस बूट, ये ऑटो बूट है मतलब इसे प्रेस करिए ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अच्छा ये अभी प्रॉपर अपनी ऊपर वाली सेटिंग पे नहीं हुआ होगा। एनी हाउ तो आपके पास अंदर बड़ी मुनासिब जगह आ जाती है। बाय द वे ये 7 सीटर है तो इसकी 7 सीट्स फोल्ड हुई हैं। आपके पास ये जो जगह है दिस इज़ फॉर योर फ्यूज़ वगैरह और वो सब चीज़ें यहाँ पड़ी होती हैं। 220 वॉट्स या 100 वॉट्स के सॉकेट या प्रॉपर हाउसेस साइज सॉकेट है। आपके पास LED रियर इल्यूमिनेटेड लाइट्स आ जाती हैं। थर्ड पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स ये हैं जिनके प्रॉपर होल्डर्स ये लगे हुए हैं। ये पार्शियल शेल्फ का आ जाता है, पार्शियल शेल्फ इसका अंदर पड़ा हुआ है। ये एक छोटी सी ट्रंक ट्रे है। थर्ड पैसेंजर्स के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने बड़ा फिट किया है कि आपके पास कभी भी है कप होल्डर्स भी हैं एंड यू हैव गॉट USB पोर्ट्स टू, USB टाइप सी पोर्ट। प्लस अगर हम इस शेल्फ के नीचे मूव करें तो आपके पास इसमें यह कोई खास स्टोरेज नहीं है, बस एक टूल किट की जगह और खाली जगह। पुरानी वाली जो क्रूज़र LC 200 का जो मैंने किया था उसका इतना फिट था कि उसका टेल गेट खुल जाता था। उसका ये फ़ायदा था कि यू नो, आपके पास ज़्यादा स्पेस आ जाती थी एंड आपको जो कंप्रेसर है फॉर एग्जांपल आपने रोडिंग जा रहे हैं अपने अपने गाड़ी के टायर प्रेशर कम करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड हियर यू हैव गॉट योर जैक, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिग्गी खोली और आप गाड़ी को अंदर से लॉक करना चाहते हैं तो आप इस तरह करेंगे, अंदर से गाड़ी लॉक हो जाएगी और बूट बंद हो जाएगा और इस तरह फिर गाड़ी का बूट बंद कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, इसका भी टायर एज यूजुअल नीचे ही लगा हुआ है लाइक और रेवर्स एंड स्टफ, और इसमें भी इसकी इंसुलेशन अच्छी है और आपके एग्जॉस्ट एक ही आता है। इन ऑर्डर टू एक्सेस द हुड लाइक ऑल योर टेयोरास रेवर्स फॉर्च्यूनर्स यू जस्ट पुल द लीवर खुल जा पाई। वी हैव गॉट अ माइटी 3.5 लीटर ट्विन टर्बो। पुरानी क्रूजर्स वाले हिसाब है, ऑल्दो आई वुड से पैकेजिंग उससे बेहतर है। बस वो V8 वाला जो बैज है वो मिस करो। LED बत्ती चेक करें टेयोरा वालों ने कितनी ज़बरदस्त दी है। का एयरबॉक्स आ जाता है, बैटरी वगैरह भी यहीं कहीं होगी या नॉट दैट श्योर, कूलेंट वगैरह ये है तो ऑल गुड। बाकी जेन्यून क्वालिटी ताजी, जेन्यून हैवी क्वालिटी। इस गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स हैं, दीज आर LEDs हैलोजन अनफॉर्चुनेटली। हाई बीम ये है, लो बीम इसकी ये है। आपकी फॉग लैम्प, आगे पार्किंग सेंसर, ये आपके लाइट वॉशर्स आ जाते हैं। आपके पास रियर लाइट ये है, ये भी है, ये रिवर्स लाइट है, टर्न इंडिकेटर्स है और ऊपर जो है ये सारी आपकी ब्रेक लाइट है। आपके टर्न इंडिकेटर्स ये लगे हुए हैं, थैंकफुली रिट्रैक्टेबल मिरर्स आप अनलॉकिंग एंड अनलॉकिंग है। और जो LC 200 मैंने दिखाई थी उसमें नहीं था। एंड जस्ट लुक एट दिस वाइट पेंट, लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ह्यूज मतलब बोनेट लगता है। दरवाज़ा खोलें तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि मैन दीज आर हैवी डोर्स मैन। थर्ड भी बड़ी सैटिस्फाइंग मिलती है आपको, लाइक यू रियली फील के मैन यू आर ओपनिंग अप प्रॉपर जिन खोल रहे हैं आप। तो ओपनिंग वाइड है, बस मुझे मसला ये कि थोड़ा सा अगर और ओपन हो जाता ना तो दैट वुड बी नाइस। ये दरवाज़ा अपनी जगह पे खड़ा होता है, लाइक ये देखें ये खड़ा होता है, इट डजंट मूव अबाउट एज मच जो LC 200 वाला था। डोर कार्ड में मूव किया जाए तो विंडो आपका काफ़ी डिसेंट साइज़ है, ऑल सॉफ्ट प्लास्टिक हेयर। अच्छा जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें क्रोम आते हैं, इसमें ये स्क्रैची प्लास्टिक आते हैं। मतलब बंदा देख के कहता है भाई इतने 3.5 करोड़ रुपये सऊदी मतलब पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं, खरेस भाई ये तो दे दो। सॉफ्ट पैडिंग हेयर, अनफॉर्चुनेटली स्क्रैची प्लास्टिक हेयर टेयोरा वालों, स्क्रैची प्लास्टिक हेयर। हैलोजन बत्ती आती है, मतलब मैं बेचारी फॉर्च्यूनर को इस बात पे रील कर रहा होता हूँ, ये तो लैंड क्रूजर नई वाली में ही आला। नीचे आप एक कप होल्डर आ जाते हैं, कभी आ जाती है, जिस विंडो को एडजस्ट करके आपने फिर पोजीशन चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। ये आपने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ शीशे अनरिट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट्स हाउ यू रिट्रैक्ट देम। ये जो लेआउट है ये प्रॉब्ली जो नई फॉर्च्यूनर वाला वो एग्जैक्ट सेम ही है। विंडो लॉक, लॉक अनलॉक, ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं और ये सारी वन टच है, विच इज़ वेरी नाइस। लैंड क्रूजर का एक बड़ा प्रोनाउंस्ड सेल प्लेट आ जाती है। लाइक वाइज आपके पास जो सीट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वे पावर एडजस्टेबल है। और पीछे मूव करें तो पीछे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, सॉफ्ट पैडिंग मतलब आगे वाली ज़्यादा बेहतर सॉफ्ट पैडिंग है। डोर अनलॉक हैंडल्स आ जाते हैं। अच्छा यार जो पुरानी LC 200 थी ना उसके जो डोर अनलॉक्स है वो बहुत बड़े बड़े थे, इसके जो डोर अनलॉक्स है वो छोटे लग रहे हैं यार, कहते वो चश नहीं करे। लेदर यहाँ आ जाता है, स्क्रैची प्लास्टिक है, बड़ी मुनासिब आपके इसका भी आ जाती है। लाइक कोई पीछे कोई लाइट नहीं है, पीछे सिर्फ उन्हें रिफ्लेक्टर दिया हुआ, मतलब सही यार क्या कर रहे हो यार क्रूजर वाले तुम। विंडो स्विच आ जाता है, दास द रियर, तो हम मूव करते हैं अंदर। ग्रैब हैंडल आ जाता है आपके पास,
तो पहले तो जी आप ये इंटीरियर चेक करें ना, ओए होए 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 ब्यूटीफुल ड्यूल टोन इंटीरियर है। जैसे मैंने आपको बताया ये फैब्रिक गाड़ी है, तो मेरे पास लेग स्पेस इज मुनासिब, ये सीट मेरी नॉर्मल पोजीशन में ही है, ठीक है, लेग स्पेस मुनासिब है, हेड स्पेस भी अच्छी है। आई वुड से ये जो पिलर है ना ये LC200 से बेहतर है, मेरे पास ज़्यादा यहाँ स्पेस है, काफ़ी चौड़ी गाड़ी है, सेंट्रल आर्मरेस्ट इस मुनासिब, प्लस आपके ऐसे नाइसली इंटीग्रेटेड कप होल्डर्स आ जाते हैं। LC200 में भी कुछ इस तरह ही थे आई रिमेंबर, इसकी पोजीशन भी अच्छी है। लाइक वाइज ISOFIX पॉइंट्स आपके यहाँ लगे हुए हैं, आपके पास एक एयर वेंट आ जाता है विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, ग्रैब हैंडल आ जाता है, और ग्रैब हैंडल के वही हालात हैं जो मैंने आपको LC200 में बताया था। क्वालिटी उससे अच्छी है अलबत्त, लेकिन थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी हो सकती है बंदे इतने पैसे खर्च है। आपके पास ठीक इंटीरियर लाइट्स आ जाती है, LED है शुक्र है, फिर रियर क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, तो आपके दो एयर वेंट्स आ जाते हैं, आपके एयर एडजस्टर्स आ जाते हैं, रियर कूल का आप जो एडजस्टर है जो फॉर्च्यूनर के छत पे लगा होता है, ऑफ ऑटो लो, मतलब इसकी सेटिंग है लो से थोड़ा हाई कर दें, और ये मतलब फ़ैन की सेटिंग है। नीचे USB टाइप सी दी हुई है, ये भी दे देते हैं एक अच्छी बात है, और आपके पास प्रॉपर 12 वोल्ट पावर आउटलेट यहाँ लगी हुई है। फुटवेल से मेरी स्पेस इस मुनासिब, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है, आउट से सीटिंग कंफर्ट के लिहाज से 200 से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन पीछे की हम पाया हुआ यार ये एक अजीब सी बात है, ज़रा हम दो मिनट सेंटर में मूव करते हैं और वहाँ देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट सेंटर इज़ नॉट दैट बैड, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, अगर सेंटर इज़ लाइक डिसेंट। शायद ये वो दूसरी वाली है क्रूज़र फैब्रिक सीटों वाली है, तो मुझे मुनासिब लग रही है, इतना कोई मसला नहीं है मिडिल सीट में, वरना फॉर्च्यून के तो पत्थर होते हैं, क्योंकि इसका जो ग्लव बॉक्स है वो डबल खुलता है, तो अगर मैं इसे यहाँ से प्रेस करूँ तो ये ग्लव बॉक्स यहाँ से खुल जाएगा। और बाय द वे दिस इज़ अ कूल बॉक्स, वो हम आके जाके आपको बताते हैं उसका मतलब क्या होता है। अगर दो स्पीकर्स आ जाते हैं, एक ये बिल्कुल सीधी सेट हो सकती है सीट, ठीक है, और इसमें आप यू नो इसका रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हम इसे फोल्ड अप करें तो ये बिल्कुल फोल्ड अप हो जाती है, फुल करना है फुल टू द मैक्स। नीचे वाली सीट अगे एंट्री एग्जिट आउट से पुरानी वाली से बेहतर है, लैंड क्रूजर की सीट पीछे भी लगी हुई है। पीछे जाके आप ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से आपने हेडरेस्ट ऊपर किया, आप यहाँ से इसे और पीछे कर सकते हैं, यहाँ से पीछे नहीं होगी और फिर आपको इतनी जगह रह जाती है। अगर मैं पीछे बैठूँ वो ये है कि मेरा सर टच हो रहा है फुल रिक्लाइंड अभी से, जो अगला बंदा है फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस पोजिशन में बैठता है तो यार मेरे पास LC200 से बहुत ज़्यादा जगह, ये देखें कितनी जगह यार, फॉर्च्यूनर में ये टच हो रहे होते मेरे, नाइस मैन। हाँ अंडर था सपोर्ट है, 7 सीटर सही बात है, बट मैन आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड मैन। बुल द स्लीवर ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी, यहाँ से इसका और बेड प्रॉपरली ठीक होगा। पैसेंजर साइड पे भी एग्जैक्ट सेम हिलाते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक हेयर, डोर लॉक अनलॉक थैंकफुली यहाँ से कुछ दे दिया, वन टच ऑटोमेटिक विंडोज़, डोर अनलॉक्स आ जाते हैं, यहाँ एक पियानो ब्लैक प्लास्टिक है, यहाँ सॉफ्ट पैडिंग, स्क्रैची प्लास्टिक है, और बाय द वे ये सीट मैनुअल है सही, कोई ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब अल्लाह के बंदो इतने बंदा पैसे खर्च रहे हैं फिर भी तुम लोग मैनुअल ले रहे हैं। इसमें ये गॉट 360 कैमराज टू, इसमें ये कैमराज भी बिलो द मिरर लगे हुए हैं, एंड मूविंग एट द टॉप, क्योंकि इसमें कोई रेडार क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ। दिस इज़ द माइटी इंटीरियर ऑफ दिस लैंड क्रूजर, थर्ड आपने सुनी ली होगी। अगर मैं इसे यहाँ से ऑन करता हूँ आप इसकी एनिमेशन चेक करें, ओए होए नाइस नाइस इल्यूमिनेशन एंड स्टफ। LC200 से काफ़ी बड़ा जंप है इंटीरियर में, पॉश इंटीरियर लगता है, मतलब इट्स राइवलिंग विद योर जर्मन ब्रांड्स, मतलब जो पुरानी LC200 का था ना वो लगता था कि यार वो एक आफ्टर थॉट ही थी। फ्रंट विजिबिलिटी बहुत फिट है आपके पास, टॉप पार्ट है इसका लेदर LC200 से बहुत बेहतर है, प्लस इसका जो डैश है उसकी डेप्थ मुनासिब है, एक फ्रंट स्पीकर आ जाता है आपके पास, एक स्पीकर यहाँ आ जाता है, आपके एक एयर वेंट यहाँ है, इस पर कोई क्रोम टच नहीं है, एयर एडजस्टर यहाँ लगा है, स्टार्ट स्टॉप बटन आपके पास ये लगा हुआ है, आपका जो स्टेयरिंग व्हील है ये बड़ा मॉडर्न टच में है, दिस इज़ अ सऊदी अरेबिया की गाड़ी, टायर इंडिकेटर स्टॉक्स यहाँ जाते हैं आपके पास, इनकी डैम्पनिंग बस ठीक है यार, प्लस इसमें ऑटो लाइट्स हैं, पार्किंग है आपकी, बीम्स हैं इसमें भी, ये हाई बीम्स इस तरह हो जाती हैं, प्लस फॉग लैंस आपके इस तरह ऑन ऑफ, TPM इसका पता नहीं क्यों निशान आ रहा है। जो वाइपर्स हैं उनके स्टॉक्स ये हैं, पुश करेंगे तो आपके रियर वॉशर ऑन हो जाएगा, पुल करेंगे तो फ्रंट वॉशर ऑन हो जाएंगे, लाइकवाइज इसमें आपके ऑटो वाइपर्स नहीं है जो हमारी ग्रैंडे में आते हैं, ये बेसिकली स्टॉक पिछले वाइपर के लिए है, बाकी अगले वाइपर का। टेरा ने एक इम्प्रूव्ड क्लस्टर दिया, रेफ काउंटर हेयर, टेम्परेचर गेज हेयर, बैटरी वोल्टेज हेयर, या स्पीड गेज हेयर, और ये इंफोटेनमेंट है जो पुरानी वाली से इम्प्रूव लग रही है, बाकी वार्निंग्स वगैरह हैं, इट्स नॉट डिजिटल, सिर्फ ये दरमियान वाली MID थोड़ी उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, ये लेदर स्टेयरिंग व्हील आ जाता है पूरा, टेरा कैम्बलम आ जाता है, दिस इज़ ऑल लाइक स्क्रैची प्लास्टिक, और एक स्टिच आ जाती है, ये लेदर स्टेयरिंग अच्छा है, क्रोमी स्टैंड्स आ जाते हैं, एयर बैग आ जाते हैं। मेरे इस गाड़ी में कितने एयर बैग, 1, 2 दो फ्रंट सीट्स में, 3, 4 दो पिलर पे हैं, 5, 6 मेरे कोई 8-10 इसमें एयर बैग्स में। दीज कंट्रोल्स आर फॉर योर
MID, this is your back button call, accept करें इसके अंदर move करने के लिए और enter करने के लिए और up and down करने के लिए volume increase decrease और voice assistant यह आ जाता है क्योंकि इसमें adaptive cruise control नहीं होती है, buttons खाली हैं. Cruise control on off करने के लिए है, basic 2.0 ही है कि आप फिर इस तरह इसे ओके कर दें, फिर इसे सेट करके इंक्रीज डिक्रीज करके कैंसिल कर दें. मोड आ जाता है ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए, बटन्स हैं. व्हीकल ट्रिप आ जाती है, इकोनॉमी, ये डिजिटल स्पीड आ जाती है इसमें, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह. बस उसके ना ग्राफिक्स थोड़े ज़रा मॉडर्न कर दिए. इसके बाद अगर हम यहाँ मूव करें तो आपके पास क्रूज कंट्रोल का आ जाता है, ट्रिप आ जाता है, ये आपके TPMS की एडजस्टमेंट आ जाती है. मैं स्टेयरिंग मोड हूँ तो वह लाइव दिखा रहे, बेसिकली ऑफ रोडिंग में बड़ा काम करती है. क्लॉक आ जाएगा, पार्किंग सेंसर ऑन है ऑफ है. मीटर क्लस्टर के ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से. कि मोड में बेसिकली यही मतलब है कि आपने FM सुनना है, AM सुनना है, व्हाट डू यू वांट टू लिसन. तो हम यहाँ जाके ब्लूटूथ ही कर देते हैं जिसपे लॉक हुआ था. यहाँ मूव करें आपके पास आपकी बीम एडजस्टमेंट आ जाती है. टेल गेट यहाँ से ओपन हो सकता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, टर्न ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं. आप ईको आइडल ऑफ या ऑन कर सकते हैं. नीचे आपके एडजस्टमेंट आपको बताया, आपका हुड ओपनर है, फ्यूल ओपनर यहाँ आ जाता है. आपके पास ये मैनुअल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स हैं स्टेयरिंग व्हील की. मूविंग एट द सेंटर, सेंटर इज वेयर द पार्टी स्टार्ट्स. ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर आ जाता है तो फ्रेमलेस नहीं, लेकिन ज़रा थोड़ा फ्रेमलेस मिमिक ज़रूर कर रहा है. एट द टॉप यू हैव गॉट योर सनग्लासेस होल्डर, ठीक है. आपके पास यहाँ लाइट्स आ जाती हैं, थैंकफुली इंटीरियर लाइट्स LEDs हैं जो बड़ी अच्छी बात है. ये आप दोनों भी ऑन कर सकते हैं और डोर्स के साथ सिंक कर सकते हैं, अगर डोर खोलो तो ऑन हो जाएंगे. सनरूफ की बात की जाए तो पहली बात है ये कवर जो मैं कहता हूँ ना सिविक, इसका बहुत भारी कवर है, वेरी हैवी, ठीक है. आप इसे अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. और सनरूफ जो है वो मतलब या ठीक है, लेकिन मतलब पैनोरामिक यार इस कीमत में होनी चाहिए थी. मतलब अब जी वैगन में भी नहीं आती, प्रॉब्ली दिस इज ड्यू टू द लैडर फ्रेम चेसिस वगैरह. माइक्रोफोन इंडिविजुअल आपके ऊपर लगे हुए हैं. टॉकिंग अबाउट योर सन वाइजर, बत्ती भी है एक LED, नाइस है. प्लस आपके ऐसे एक नाइस शीशा आ जाता है. ये हम देखते हैं क्या एक्सटेंडेबल है या नहीं. क्या बात है साहब जी, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडेबल, वेरी नाइस. मूविंग एट द सेंटर आपके पास नाइस इंफोटेनमेंट आ जाती है. दिस इज अ 10-inch स्क्रीन. और टू बी ऑनेस्ट, पुरानी क्रूज़र से इतना बड़ा जंप है सर, मैं आपको बता नहीं सकता. पुरानी क्रूज़र वो एब्सोल्यूट बकवास. इसमें आप ड्यूल स्क्रीन भी कर सकते हैं, USB कनेक्शन के लिए आप यहाँ से भी यू नो यू कैन प्लग इन स्टफ. इट्स वेरी इंटुएटिव, बड़ी आसान है. ऑडियो में आप ऑप्शन कर सकते हैं रेडियो, ब्लूटूथ, आईपॉड, स्मार्ट लिंक, USB. वीडियो में जा सकते हैं, पिक्चर्स कर सकते हैं, ठीक है जी. इसके बाद नेविगेशन में जा सकते हैं, इस गाड़ी में नेविगेशन है. फ़ोन जो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, ऐप्स में ईजी कनेक्ट है. किबला है, यूट्यूब सेटिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ कॉल. डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में चाहें तो हम मोड में कर सकते हैं. इसका ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप रात में हो तो वो ऑटोमेटिकली डिम कर देगा, ब्राइटनेस कर देगा. और वॉलपेपर्स आप चेंज कर सकते हैं, USB पिक्चर्स या वॉलपेपर्स इनबिल्ट हैं. अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस इज ऑल्सो मुनासिब. साउंड में आप वॉल्यूम मिक्सर देख सकते हैं आपने किस तरह रखना है. ऑडियो कंट्रोल्स कर सकते हैं आप, इक्वलाइजर चेंज कर सकते हैं, लाउडनेस, हार्ट की साउंड, टच साउंड करना है कर सकते हैं. देखिए हार्ट की साउंड्स फॉर एग्जांपल जब मैं मेन कीज़ को दबाऊंगा तब आवाज़ आती है नहीं. मीडिया में जाके यू कैन चेंज रेडियो के मुताबिक ट्रैफिक प्रोग्राम, रेडियो ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी अगर ख़राब हो जाए. वीडियो में ऑटो फुल स्क्रीन हो जाती है, नाइस. स्क्रीन रेडियो, iOS कनेक्टिविटी आ जाती है. सेटिंग्स में जाएं तो आप इस लैंग्वेज आ जाती है. कंपस एंड किबला, ये बहुत बेस्ट चीज़ है यार यहाँ के लिए, मतलब नमाज के लिए कोई मसा नहीं होता. USB आ जाती है, यूनिट्स एंड टाइम आ जाते हैं, मतलब आपको ऑटोमेटिक टाइम, ठीक है. यूनिट्स किलोमीटर चाहिए, पोजीशन ऑफ फॉर्मेट, अबाउट अपडेट रीसेट. इसका जो सेकेंडरी डिस्प्ले, बेसिकली ये एक डिस्प्ले और सेकंड पे आप ये चीज़ें कुछ चला सकते हैं फॉर मल्टीटास्किंग पर्पस, तो बड़ी अच्छी चीज़ है. मोर ओवर यू हैव गॉट दिस हॉट कीज़ हियर टू टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑन, वॉइस असिस्टेंट, होम, बैक, वॉल्यूम, अप एंड डाउन. और ये आपका एक सेंट्रल डिस्प्ले आ जाता है जहाँ से यू नो यू कैन चेंज स्टफ एंड एवरीथिंग लाइक दैट. नीचे आपके पास दो एयर वेंट आ जाते हैं, हैजर्ड वार्निंग स्विच नीचे है, आपके पास एयर एडजस्टर आ जाते हैं. इस गाड़ी में आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है. टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, आप सिंक कर सकते हैं कि अगर हमें सिंक करना है या नहीं करना, ठीक है. यहाँ से आप फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं. या आपका एयर पोजिशन आ जाती हैं सारी, मतलब फेस, फुटवेल्स, फ्रंट विंडशील्ड. AC ऑन है या ऑफ करना है मैनुअली, ये अब आप पैसेंजर अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं. नीचे आपकी हॉट कीज आ जाती हैं. ऑटो ऑफ है, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, रिसर्कुलेटिंग एयर है. रियर AC वेंट्स आपके बंद हो जाते हैं, इसमें ओनली और फ्रंट AC वेंट्स आर एक्टिवेटेड. इको हीट या कूल मतलब इकोनॉमी में चल जाता है. इसमें ये होता है कि वो थोड़ा सा ज़रा एक लो ब्लास्ट मारेगा आपको. और रियर AC आपके ऑन है, ऑफ है. लाइक वाइज इस गाड़ी में हीटेड सीट्स या कूल सीट्स नहीं, वरना उनके बटन यहाँ होते हैं. नीचे आपके पास आपके ड्राइव मोड बटन आ जाते हैं, ठीक है. इसमें अगर हम ड्राइव मोड सेलेक्ट करें आपके पास ये आ जाता है, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको, ठीक है. ECT सेकंड में जाके अगर हम करें इसे,
इसीलिए सेकंड प्रॉब्लम सेकंड गियर में जब गाड़ी उठेगी, दिस इज योर क्रॉल कंट्रोल। गाड़ी ने अगर टाइट टर्न्स लेने हो तो उसके लिए होता है कि आपने ये व्हील्स लॉक कर दिया और फिर यू कैन टर्न इट अराउंड, या आपका सेंट्रल डिफ लॉक आ जाता है। ये आपका जो हमारी फॉर्च्यूनर वो जो टॉगल है उन्होंने स्विच में कर दिया, अभी H4 में जा रहा है, और अगर आपने L4 में करना तो ये करेंगे तो ये L4 में हो जाए। थैंकफुली जी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक दे दिया, ये इस तरह इंगेज हो जाती है और दैट्स हाउ इट डिसंगेजेस। बट डैम्प्ड बटन है प्रॉपर्ली, ब्रेक होल्ड है इसमें, 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आ जाता है, PRND और M आ जाते हैं, ये आपका इन केस अलाना करे गाड़ी की बैटरी फेल हो जाए तो आपके शिफ्ट लॉक है। टू बी ऑनेस्ट गियर फील पहले से बहुत बेहतर है और आप ये M में भी डाल सकते हैं। चार्जिंग पैड आ जाता है, USB 3.0 और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, एंड यू हैव गॉट इट डिसेंट कभी है और मेरा फ़ोन भी बड़ा आराम से फिट हो जाएगा। दो काफ़ी मुनासिब साइज़ से कप होल्डर्स आ जाते हैं और ये एक्सटेंडेबल भी हैं। आर्मरेस्ट की बात की जाए तो ये मर्सिडीज़ एस क्लास को कॉपी किया, तो वैसे कि आप यहाँ से खोलें तो ये इस तरह खुलेगा, ठीक है, यहाँ से खोलेंगे तो पैसेंजर खोल सकते हैं, ठीक है। और ये कूल बॉक्स है, कूल बॉक्स का ये मतलब है कि ये फॉर्च्यूनर वाला नहीं है, कूल्ड नहीं है, एयरमेंट वाली हवा नहीं है, प्रॉपरली कूल बॉक्स है, ठीक है। और ये देखें अभी ये ऑन हुआ हुआ है, तो इसमें आपको ऐसे कि सेपरेशन आ जाती है, नीचे मूव करें इट्स ह्यूज, प्रॉपर वेंट्स लगे हुए नीचे। लाइकवाइज आपके पास एक बड़ा ही मुनासिब साइज़ ग्लव बॉक्स आ जाता है विच इज़ सेपरेटेड, एक टॉप पोर्शन है वो आपका इंटीरियर फिल्टर, यहाँ से आप खोल के आप साफ कर सकते हैं। अच्छा एक मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि ये जो है ना, अब प्रॉबेबली इसकी एक जो ट्रिम आती है जहाँ यहाँ वुड होता है और वो सारे इनलेज में वुड होता है, तो होपफुली यहाँ जो है ना उसके कोई सॉफ्ट होना चाहिए। फॉर्च्यूनर तक में ये सारा सॉफ्ट है और यहाँ देखें ये सारा हार्ड। ऑडोमीटर मतलब आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, नीचे देख रहे हैं ट्रिप ए ये सब कुछ दिस एंड दैट, ठीक है। 5 साल अभी गाड़ी चली है। रियर डिफ लॉक आ जाता है, 360 कैमरा आ जाता है, 360 कैमरा इसका इज़ डिसेंट, फ्रंट व्यू आ रहा है आपके पास, प्रॉपर व्यू आ रहे हैं, हम इसे प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। डायनामिक गाइडलाइन दी नहीं उस्ताद जी, यानी आपके सारी ट्रेवलर्स की तरह यहाँ आप मतलब एक बिल्कुल स्पेसिफिक व्यू ले सकते हैं। अगर आपने ट्रेलर अटैच करना एक पूरा 180 डिग्री आउट से कर सकते हैं, और ये जो है ये एक टॉप डाउन व्यू, मतलब इसमें साथ आपके पास वो 360 व्यू भी आ रहा है। इसमें ग्राफिक इतने अच्छे कर दिए कि लैंड क्रूजर ही नज़र आ रही होती है, वरना पहले लैंड क्रूजर नहीं आती। और इसमें एक और भी अच्छी बात है कि रियर सीट अलर्ट भी है। इस इंटीरियर के अंदर ना आपको एक बहुत ही वाइड फील मिलती है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, मतलब पुरानी जो थी ना LC 200 थी वो भी चौड़ी थी, लेकिन ये तो मतलब प्रॉपर चौड़ी लगती है, इसके ह्यूज डोर मिरर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। क्योंकि इस गाड़ी में फैब्रिक सीट है तो जो इंटीरियर कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, प्लस आपके पास सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, कम्फर्ट वाइज तो इस गाड़ी में बहुत फिट काम है, प्लस आपके ऐसे लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। और यह ओवरऑल जो इंटीरियर है ना वो पिछले से बहुत रूमी और स्पेशियस लग रहा है, बस ये लेदर शेदर हो जाता तो दैट वुड बी ग्रेट, बस ये भी सारा स्क्रैची है। अगर आप ये देख रहे हैं ना दिस इज नॉट बाय फैक्ट्री, ये उन्होंने खुद ही कराई है, क्योंकि सऊदीया का जो वेदर है अभी आप बाहर देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल साफ शफाफ थी, मैंने सिर्फ रिव्यू बनाया और गाड़ी इतनी गंदी हो गई। प्लस ये बड़ा अच्छी बात है कि इसमें ना अलार्म टाइमर आता है कि नमाज का टाइम होने वाला है। पेडल्स वैसे ही हैं, कोई क्रोम श्रोम नहीं लगा हुआ, डेड पेडल भी सेम ही है। जो इसकी एक फील है ना कि पता लगता है कि मैं एक नई क्रूजर में बैठा हूँ, मतलब स्टेयरिंग ये सब कुछ दरमियान से, और जिसके साइड मिरर्स का ह्यूज व्यू है, मतलब पहले वाले कौन से छोटे थे उनसे भी बड़े। थैंकफुली यू हैव अ ग्रेडियंट चेंजिंग विंडशील्ड, क्योंकि अभी भी ये ब्रांड न्यू गाड़ी है तो इसमें अभी भी प्रोटेक्टेड फिल्म लगी हुई है, तो यू नो यहाँ भी बड़ी अच्छी बात है उन्होंने उतारी नहीं है, खैर है जब तक लगी है ठीक है। और ये भाई फैक्ट्री आती है जो बड़ी अच्छी बात है, ये देखें डोर के कॉर्नर्स पे भी कि डोर्स ख़राब ना हो, ये यार ऐसी चीज़ें जो ना पाकिस्तान में भी देनी चाहिए, देखें ये लगी हुई हैं कि यहाँ से फ्यूल गिरे तो आपका ख़राब ना हो। ओवरऑल इंप्रेशंस की बात की जाए, क्योंकि ये एक मिड वेरिएंट था, इट वाज़ एट द टॉप ऑफ द लाइन, ठीक था। और बाय द वे सऊदीया में आपको नज़र भी सारे यही वाला वेरिएंट आता है, टॉप स्पेक वेरिएंट बहुत ही कम है, लाइक दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट, जैसे हमारी GLI नहीं होती, ये सबसे पॉपुलर वेरिएंट है यहाँ का। हैंस LC 200 से एक ये सिग्निफिकेंट जंप तो है, बट आई एम लाइक यार कुछ वो जो कॉस्ट कटिंग सीन अगर वो कवर हो जाती ना, जैसे वो प्लास्टिक वास्टिक लगा हुआ था, तो ये गाड़ी का लेवल ही अपना, फॉर एग्जाम्पल इसका इन्फोटेनमेंट फार फार सुपीरियर है, इंटीरियर का जो फील है वो LC 200 से बहुत ऊपर है, लैंड क्रूजर है तो इट्स टफ, इट्स मेड टू गो। और यहाँ भाई लोग ये कोई 7-7, 8-8 लाख चलाते हैं, कोई मसला नहीं करती लैंड क्रूजर में, जाल हुई है। और इसकी सक्सेस चेक करें, एक और भी खड़ी है वहाँ। दिस इज़ माई रिव्यू ऑन दिस ब्रांड न्यू थेओरा लैंड क्रूजर 2023 है। आई होप यू लाइक द वीडियो, कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के लिए LC के साथ इतना ही टाइम, लव यू LC।